दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके विवेक जोशी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और हवाई अड्डों पर दिव्यांग लोगों की सुविधाओं का इंतजाम कराने के लिए संघर्ष किया। वह ठीक से बोलने या चलने में सक्षम नहीं है, बावजूद विवेक ने LLB, LLM और MBA किया। अब वह PhD कर रहे हैं। दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए विवेक जोशी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी सम्मानित कर चुके हैं। विवेक जोशी की मां कौशल्या देवी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विवेक की परवरिश करने और उन्हें हमारे बीच के दिव्यांग लोगों के मुद्दे उठाने के लिए सक्षम बनाने को लेकर सम्मानित किया। मुंबई हवाई अड्डे पर घटी एक घटना ने न केवल विवेक जोशी का जीवन बदल दिया बल्कि उन्हें अपने जैसे कई लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की वजह और ताकत भी दी। आइए जोशी से उस घटना के बारे में जानते हैं जिसने उनका जीवन बदल दिया। मुंबई तो वापस जब मैं आने लगा तो एयर इंडिया का स्टाफ जान उन्होंने पहले तो बस लुकी की थी साढ़े ना और 1185 रुपये मंगे और जिदी की बहुत मैं नखेदी की ऑफिशियल फ्लाइट का अटेंडेंट हों आते हैं तो वह थानू लैके जाते अंदर तक, पर एयर इंडिया ने यह सुविधा सानू नहीं दिती सी। फिर मेरे नाल मेरे पिता जी से मैं उन्होंने आइडिया दिता सी कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕੋ, ਮੈਂ ਟਰੋਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕੂੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨਤ ਕਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਨੇ ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਓਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਾ। एयर इंडिया ने जोशी की बातों को ध्यान में रखा और विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय इनका पालन करने के निर्देश जारी किए। दिता है और सिंपल जी गल है, ये मेल मेरे को इन्होंने कहा कि नॉन एम्बिट्री मतलब जो चल फिर नहीं सकते, जो पूरी तरह दिव्यांग है 100% डिसेबल है, उन्होंने कोई व्हील चेयर के चार्ज नहीं देने पैने और जिहड़े भी दिव्यांग जन है ओल्ड एज है परसन हैगे उन्होंने भी कोई चार्जेस नहीं देने पैने। और दूजी गल इन्होंने कही है कि जिहड़ा एयर इंडिया स्टाफ है वो व्हीलचेयर यूजर नूं जिथे उन्हें लोड़ है टैक्सी स्टैंड तक छड के आएगा या उन्हें पिक करने लई बाहर तक आएगा और उहदे लई कोई चार्जेस नहीं लिते जाणगे। और दूजी गल जे इन बिटवीन उन्हें किते उतरना है तो वो उतर भी सकता है। इस धर्म युद्ध में विवेक जोशी के पिता भी उनके साथ हैं। उन्होंने मुंबई हवाई अड्डे पर बहस में अपनी उस जीत का वर्णन किया जो पूरे दिव्यांग समुदाय और वरिष्ठ नागरिकों की जीत के रूप में थी। असि सारे पासे कंप्लेंटा करते हैं, जलंधर पहुंचन तक सारे टीवी चैनल वाले साडे संपर्क च आ गए सी ते उस तो बाद टेलीफोन उहदा कहण लग गए असि माफी मंग लई, लेकिन वी वर नॉट सैटिस्फाइड। बल्कि कोई बंदा सानू टीवी चैनल वाले ने सानू पुछया कि तुसी इहनां तों कुछ कंपनसेशन चाहते हो, असीं कहा नो फाइनैशियल कंपनसेशन, असीं चाहते हैं कि भी जिहड़ा डिसेबिलिटी कम्यूनिटी नाल या सीनियर सिटीजन नाल जिहड़ा बदतमीजी मिसबिहेव है ये अगे तो रुकना चाहिए है। कहा जाता है कि जीवन तब सार्थक और दिलचस्प हो जाता है जब हम केवल खुद की ही मदद नहीं करते बल्कि दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करते हैं। विवेक जोशी और उनके पिता की भावना ने न केवल एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया बल्कि दूसरों को भी अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए प्रेरित किया है। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।